देखा 6 और 7 में लोकतंत्र क्या होती है और लोकतंत्र किस तरह से होता है, लोकतंत्र में दलगत जो परिणाम होते हैं वो दल कैसे काम करते हैं लोकतंत्र शासन में। अब हम देखेंगे लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मतलब किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब लोकतंत्र में जो चुनौतियाँ होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, चुनौती क्या होती है। सबसे पहले तो ये है वह मुश्किल चीज जो लोकतंत्र में आती रहती है उसे दूर किया जाता है। मतलब जो भी चुनौतियां आती हैं, किसी भी तरह की चुनौतियां हो सकती है, बेरोजगारी भी हो सकती है, निरक्षरता भी हो सकती है, साक्षरता भी हो सकती है, जनसंख्या भी हो सकती है। इस तरह से जो चुनौतियां जो हैं हर समय जो है हमारे सामने आकर मौजूदा चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, जैसे लोगों को नौकरी देना है, बेरोजगारी दूर करना है, ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ जो हैं हमारे मौजूदा हालात में पड़ी हुई बनी हुई रहती है। फिर देखिए बुनियादी आधार की चुनौतियाँ, जैसे मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार की गिराने, सत्ता पर सेना का नियंत्रण समाप्त करने और संप्रभु जो है एक संप्रभु सरकार जो कारगर शासन व्यवस्था के स्थापित करने की जो है वह चुनौती होती है। जिसमें हम ये देखेंगे बुनियादी चुनौती क्या होती है, जैसे कि विपक्ष में जो बैठा हुआ होता है वह सोचता है कि यह किस तरह से हम सरकार को गिरा दें और किस तरह से मध्यावधि चुनाव हो सके। तो इस तरह से कई चुनौतियां जो होती है जिसका सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सरकार को गिराने से बचाने के लिए उसको 5 वर्ष कैसे उसको पूरे करना है, वह सारी चुनौतियों का सामना करते हुए वह अपने लोकतंत्र शासन करता है। फिर विस्तार की चुनौती, इस चुनौती लोकतांत्रिक शासन बुनियादी सिद्धांतों में जैसे सभी क्षेत्रों में सभी सामाजिक समूह विभिन्न संस्थाओं में इसको लागू किया जाता है। विस्तार मतलब इसको जो बढ़ाया जाता है, जैसे कई बार देखते हुए कई राज्यों के टुकड़े भी हो चुके हैं, कई राज्य जो है हमारे बढ़ गए हैं, पहले कम थे, अब 4-5 राज्य जो है वह उनको खंडित करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया है। फिर लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, इस चुनौती में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल होता है, जिसमें कि हम किस तरह से हर वर्ग के लोगों को हम किस तरह से मजबूती के साथ उनको जोड़ सकते हैं। फिर लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है और जिसको कि जनता के द्वारा चुने होने के कारण उनकी हर संभावना आवश्यकताओं को और उनकी बहुत सारी चीज़ों की संभावनाओं को उसमें ध्यान में रखना पड़ता है। जिस तरह से हमने देखे थे कि लोकतंत्र में राजनीति का जो योगदान था वह भी उस चीज़ को पूरा महत्व देती है। फिर लोकतंत्र में जो चुनाव उसके पहले हमने पढ़ा राजनीति में, उसमें भी वही चीज़ें महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जनता द्वारा चुनी होने के कारण जनता के हित में कार्य करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। फिर चुनौती का मतलब जो चीज़ हमने अभी आपको बताया वह हमने उसमें शॉर्ट में बताया, इसमें चुनौती वह कहलाती है जो कि जिसे पार पा, मतलब जो भी चुनौतियां हैं उसको हम किस तरह से आगे बढ़ने के अवसर छुपे हुए होते हैं उसे हम चुनौती कहते हैं, और चुनौती जो है जीत लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चुनौतियाँ जो होती हैं वह देश में लोकतांत्रिक सरकार गठित करने की जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती होती है कि हम किस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसको हम बुनियादी आधार पर उसको मजबूत कर सकें। मुख्य चुनौतियाँ क्या होती है, आधार तैयार करने की चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की, ये चुनौतियाँ होती है। क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें अगर मजबूत होगी तो शासन भी बहुत अच्छा होगा और आर्थिक विकास होगा देश में, चहुंमुखी विकास हम आसानी से कर सकते हैं। फिर आधार तैयार करने की चुनौती, कई हिस्से में 25% हिस्से में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की चुनौती यह है कि आधार बनाने के देशों में अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, तानाशाही को हटाना और सरकार पर सेना का जो शासन होता है उसको ना करना, इस तरह नियंत्रण को दूर करना होता है, जैसे कि स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना करनी होती है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि इसको समझने के लिए जो विस्तार की आवश्यकता होती है उसमें हम देखेंगे कि उदाहरण नेपाल का उदाहरण लिया जाता है, जिसमें कि इसमें राजतंत्र हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार तैयार करने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ के तानाशाहियों को हटाना होता है और साथ ही साथ वहाँ पर सरकार पर जो सेना के नियंत्रण को दूर करना होता है और उसके साथ साथ एक स्वायत्त राष्ट्र की स्थापना भी करनी होती है। इसको समझने के लिए नेपाल का उदाहरण लिया जा सकता है। नेपाल अभी हाल ही में राजतंत्र का शासन का हुआ करता था, लेकिन लोगों ने वर्षों से आंदोलन के फलस्वरूप नेपाल में लोकतंत्र जो था उसको विस्थापित कर दिया गया है और इसके आधार पर लोकतंत्र नया है, इसलिए वहाँ के लोकतंत्र का आधार बनाने के लिए एक तरह की चुनौती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ेगा, बहुत सी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चुनौतियाँ हैं क्योंकि अभी नया नया में लोकतंत्र बना हुआ है। फिर विस्तार की चुनौतियाँ, किस तरह से हम उसका विस्तार कर सकते हैं,
जैसे लोकतंत्र जो है कई देशों में जो है बहुत वर्षों से लोकतंत्र मौजूद है, लेकिन लोकतंत्र के विस्तार का जो मतलब होता है वह देश के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार को मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना होता है। लोकतंत्र के प्रभाव और समाज के हर वर्ग को देश की हर जो संस्था तक पहुंचाना होता है। और लोकतंत्र के विस्तार को चुनौती कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक होना, शक्ति प्रदान करना, संघ के आधार पर इकाई को संघवाद में प्रभाव डालना, और साथ ही साथ महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से उनको जोड़ना आदि। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे बेरोजगारी दूर करना है, लोगों को रोजगार देना है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना है। इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां जो होती हैं जिससे कि लोकतंत्र को सामना करना पड़ता है। फिर लोकतंत्र के विस्तार का एक मतलब यह भी है कि कई फैसले जो संख्या कम कम हो या कम से कम हो, जिन्हें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटकर उनको लेना पड़े और साथ ही साथ मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके। भारतवर्ष की मुख्य धारा से वे कटे हुए हैं, उनको भी उससे संविधान से या लोकतंत्र की चुनौतियों से उनको विस्तार किया जा सके। फिर यहाँ हम देखेंगे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। हर लोकतंत्र की चुनौती का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना होता है। तो इस तरह से कई प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लोगों को लोकतंत्र की अपनी अपेक्षा के बारे में सही जानकारी मिल सकती है और लोकतंत्र की अपेक्षाएं होती है और अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की होती है। इस तरह से 80 के दशक में भी भारत में होने वाली चुनावों को बूथ लूटने, फर्जी मतदान घटना आम बात हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में है TN शोषण के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो इस तरह क्रांतिकारी कदम था जिसपे राजनीतिक दलों में अनुशासन आया और बूथ लूटने की घटनाएं जो नगण्य हो गई थी। फिर देखिए अलग अलग देश में लोकतंत्र की अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश के समक्ष आने वाली एक खास चुनौती इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश का जो लोकतांत्रिक विकास किस चरण पर है, और किसी खास चुनौती को निपटने के तरीके भी अलग अलग परिस्थितियों के विभिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हर जगह जो है उस चुनौती से निपटने का तरीका अलग होगा, चुनौतियां अलग होंगी, मतलब इस तरह से अलग अलग होती है। फिर लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार, अर्थ क्या है लोकतंत्र में विभिन्न चुनौतियों के बारे में दिए गए सभी सुझाव जो प्रस्तावित लोकतंत्र या फिर राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। जैसे कानून बनाकर राजनीतिक सुधार करना, सावधानी से बनाए कानून को गलत और राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करना, कानून बदलाव करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और कई प्रभाव एकदम उल्टे निकलते हैं, और कई राज्यों में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इस ऐसे कारण गरीब और महिलाएं जो चुनाव लड़ने के लिए लोकतांत्रिक अवसर से वे वंचित हुए हैं। इस तरह से कई कानून ऐसे होते हैं जिनको बदलाव करने की आवश्यकता होती है। सबसे बढ़िया कानून वह है जो लोगों को लोकतांत्रिक और अधिकार सुधार करने की ताकत देते हैं, और सूचने के अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोगों को लोकतंत्र रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाती है और वह अपनी कोई भी जानकारी जो है वह इस अधिकार के अंतर्गत ले सकती है। फिर लोकतांत्रिक सुधार में राजनीतिक दल ही करते हैं कि राजनीतिक सुधार में जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है, और राजनीतिक सुधार में किसी भी प्रस्ताव में यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन लागू करेगा और क्यों लागू करेगा। यह आवश्यक है, ये जरूरी है कि कौन लागू करेगा और क्यों लागू करेगा और किस लिए हम उसको लागू करना चाह रहे हैं, या फिर कानून में हम परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं, क्या सुधार करना चाह रहे हैं। जिस कानून की हमें आवश्यकता नहीं है तो उसको बहुत ही आवश्यक है कि उसको हम परिवर्तित करके उसकी जगह दूसरा कानून लेकर आएं जिससे कि वह लोगों को उससे लाभ हो सके। कई बार ऐसा होता है कि कानून जो बनाए जाते हैं उसका लोग गलत उपयोग भी करते हैं, तो इस तरह से ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए ताकि जो कानून की वाकई में जिससे आवश्यकता है वह उसका